जिंदगी और स्टार कास्ट संजय मिश्रा, विजयराज, मनोज जोशी जी, संजय मिश्रा जी, मनोज जोशी जी, विजयराज जी, प्लाबिता बोरठाकुर और नवीन कस्तूरिया, ये फिल्म की स्टार कास्ट है। और फिल्म इज़ बेस्ड ऑन मेक इन इंडिया। फिल्म का पहला पोस्टर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आशीर्वाद दिया है हमें, और म्यूजिक जो है वो रहमान साहब ने लॉन्च किया है। अभी एक गाना ही हमारा बाहर आया, बाकी म्यूजिक अभी धीरे धीरे बाहर आएगा। सर देखिए, संजय मिश्रा को जब मैं देखता हूँ और जिस तरह से वो नज़र आते हैं, आपको देखिए उनके हाल में एक फिल्म आई थी, काफ़ी कामयाब फिल्म रही, बढ़िया बड़ा सराहाया गया उस फिल्म। संजय मिश्रा को लेने की कोई खास वजह? और संगीत संजय मिश्रा ही मुझे आपकी पोस्टर का, आपकी फिल्म का फेस नज़र आते हैं, चेहरा। हाँ, वैसे ये पहला पोस्टर है हमारी फिल्म का, और भी पोस्टर्स आएंगे। सभी लोग, जो भी जितने भी एक्टर्स आपको पोस्टर पे दिख रहे हैं, सभी बड़े लोग हैं, सभी अच्छे एक्टर्स हैं। और संजय मिश्रा जी इस रोल के लिए बहुत सही शूट हो रहे थे, इसलिए हमने संजय मिश्रा जी को लिया। और उसके लिए हमने वेट करना पड़ा, तो हमने वेट भी किया, क्योंकि उनकी डेट्स का कुछ प्रॉब्लम था, तो हमने वेट किया। और उसके बाद डेट्स मिली तब शूट किया, पर हमें संजय मिश्रा जी ही चाहिए थे, क्योंकि उस रोल के लिए वो एकदम परफेक्ट। क्या किरदार निभाते नजर आएंगे संजय संजय? मिश्रा जी ने दादा का रोल किया है, जो ये बताता है कि ये जो मेरी धरती है, ये सोना उगलती है, और इस ये गोल्डन लैंड है। मतलब वो हर चीज़ को, धरती से निकलने वाली जो पत्थर हैं उनको सोना समझते हैं। और उन्होंने दादा का रोल किया, और अपनी मातृभूमि से, अपने गांव से, अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। और उनका बेटा का रोल जो है, वो फिर मेन हीरो निकलता है, उनका बेटा। यू नो, मैं हो सकता है अपने आपको रिपीट कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, और उस सीरियस बिजनेस में मेक इंडिया इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को लेके फिल्म बनाना, ये अपने आप में बहुत दिलेरी की बात है। मतलब आपको अपना अपनी फिल्म को बाहर भी करना है, रिलीज भी करना है, और मेक इन इंडिया ऐसा सब्जेक्ट भी चुना, ये आपको रिस्क नहीं लगता? मैं एक बिजनेस मैन आदमी हूँ, मतलब मैंने मेरा टाइल्स का बिजनेस है। और डेफिनेटली सिर्फ सब्जेक्ट रिस्क नहीं है, फिल्म बनाना भी रिस्क है इस इंडस्ट्री में। एज ए न्यू प्रोड्यूसर, मुझे लगता है कि कुछ ही भी नहीं बचा जो मैंने अनुभव नहीं किया है। फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है, लेकिन अगर आपने चाह ठान लिया तो आप बनाएंगे। हमने बना लिया, मुझे लगता है कि हम वो बेहतरीन फिल्म बनाने के साथ में इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं। नई फिल्म, नए फिल्म मेकर हैं, नए हैं, तो हमें थोड़ी समस्या ज़्यादा आई, लेकिन हमने कहीं समस्या का गिव अप नहीं किया, हमने फाइट किए, हर परिस्थिति के साथ फाइट किए। मैं उरी की बात करूं, मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कैसे ये फिल्म उन दो फिल्मों से जो कहीं किसी सो कॉल्ड गवर्नमेंट को बैड लाइट में और करंट गवर्नमेंट को बड़ी गुड लाइट में दिखाती है, तो आपकी फिल्म कैसे उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं घुसती है? वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो पूरी की पूरी था ही पॉलिटिकल ड्रामा, उस फिल्म का सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल ड्रामा। उरी जो है वो रियल बेस स्टोरी पे है, जो उरी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मेरी फिल्म भी रियल स्टोरी पे है, जो सिरामिक इंडस्ट्री, गुजरात की, इंडिया की जो सिरामिक इंडस्ट्री है, उसको हमने बेस बनाया है। और राजस्थान की मिट्टी को, जहाँ पे उसका दादा है जो संजय मिश्रा जी ने रोल किया, तो सिरामिक इंडस्ट्री एक टाइम पे बहुत समस्याओं से जूझ रही थी। चाइना का माल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिकता था, आज हमने चाइना को बिल्कुल जीरो कर दिया और हम चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बात है देश के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब इंडस्ट्री तक, सब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी इंडस्ट्रियाँ जिस दिन ऐसे कर ली, उस दिन देश विश्वगुरु तक बनेगा। मेरी कहानी बहुत सिंपल है कि कैसे चाइना से हम कितना बड़ा आयात कर रहे हैं, कितना बड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जाने अनजाने में हम चाइना से, आप 500 रुपये की मेड इन चाइना कोई चीज़ खरीद के आ रहे हैं, तो ये पैसा कहीं वाया वाया आपके सैनिक की छाती के अंदर तो गोली के रूप में नहीं जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मदद चाइना करता है, चाइना ने हमारी यूएन के अंदर हमारी जो सदस्य थी उसकी बीच में टांग अड़ा दी। चाइना इलेक्ट्रॉनिक में, खिलौनों में सबसे बड़ा सप्लायर है। सो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, स्वदेशी का सब्जेक्ट है। आप नहीं चाहते कि मेरा देश विश्व गुरु बने, परम वैभव तक बने। आप जब हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक विश्व में जाए तो लगे कि अमेरिका से आते हैं तो कितना कुछ तो अमेरिकन है, ब्रिटिश है। हम क्यों नहीं हमारी पहचान वैसी बना सकते? हमारी अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो है, उसको हमें बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए ये
जो फिल्म है ये आर पार की लड़ाई है चाइना के साथ, और ये फिल्म के द्वारा हम अंत तक हर फिल्म देखने वाले को ये बता के जाएंगे, और वो उसको मानना होगा कि अगर हम देशवासी चाहें तो देश विश्वगुरु बहुत जल्दी बन सकता है, बाकी सिर्फ सरकारों के चाहने से कुछ नहीं होगा। सरकारें कितना भी कुछ कर ले, जब तक नागरिक नहीं चाहेगा देश विश्वगुरु, हमारा सिंपल है, हमारी फिल्म एक बच्चे की कहानी से लेके देश को विश्वगुरु तक पहुंचती है, ये हमारी सिंपल कहानी। इसमें कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी नहीं। मेक इन इंडिया का मतलब देश में बनाना, स्वदेशी मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करना, और चाइना के इस थिंग। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल कोई ड्रामा कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ, हमारी फिल्म पॉलिटिकल किसी ड्रामे से इंस्पायर्ड नहीं है। हमारी फिल्म को हम बहुत ही एक कंटेंट बेस्ड, एक लव स्टोरी, एक सोशल मैसेज वाली फिल्म। जब मेक इन इंडिया की मैं बात करता हूँ, मेक इन इंडिया नारा ही मोदी जी ने दिया, और हम उस बात से इनकार कर नहीं सकते। और क्योंकि आप बहुत एक बहुत ही आदर्श कहानी बताने जा रहे हैं कि लोगों को ये पता नहीं है कि सिरामिक्स को लेके, टाइल्स को लेके हम कितना बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना में, जो हमारी धरती से बन के जा रहा है। हाँ, लेकिन वो मेक इन इंडिया लाइन ही अपने आप में बड़ी सवाल खड़े करती अब है। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने एक योजना चालू की है मेक इन इंडिया। अब इसको मैं मेक इन इंडिया की जगह मेड इन इंडिया भी कर दूंगा ना, तो भी लोग ऐसे बोलेंगे कि ये मोदी जी का है। मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, मेक इन योर होम, मेक इन, सो मेक इन का मतलब देश में बनाना। मेक इन इंडिया जो लाइन है, उन्होंने ये मेक इन इंडिया की लाइन जरूर दी है, पर मेक इन इंडिया का मतलब आप, अगर मैं टाइल नहीं कुछ भी बना रहा हूँ देश में बना रहा हूँ, तो आप उसको यही तो बोलोगे। आप टीवी बना रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने नारा नहीं दिया होता और आपको बोलते कि सर ये कहाँ का है, भाई ये मेक इन इंडिया, कहाँ बना रहे हैं आप इसको, मेक इन इंडिया कहाँ का है, तो मेड इन इंडिया कहाँ बना रहे हो, बोला सर हम मेक इन इंडिया कर रहे, देश में बना रहे हैं। मेक इन इंडिया का मतलब है कि इंडिया में बन रहा है। तो इससे हमारा कोई भी मेक इन इंडिया की उनकी योजना, उनका कोई वो कुछ नहीं है। हाँ, मेक इन इंडिया एक ऐसी लाइन है जो देश में सबको बनाना है, उसको प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है सबको, देश में बनाओ। अब स्वदेशी है तो स्वदेशी गांधी जी ने बोला, उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच भी अभी बहुत तरीके से, जिससे हमारी चाइना से लाइट आ रही थी बहुत कम इम्पोर्ट हो गई, लोग जागरूक हो गए कि आप चाइना का लाइट खरीद के अपने छोटे छोटे जो कुम्हार है जो गरीब है उनके घर को भरिए ना, देश का पैसा देश में रहे और गरीब को रोजगार भी मिले। तो हम यही तो कर रहे हैं हमारा, आप सरकार ने तो भी स्टार्टअप इंडिया से आपको फंड दे दिया, बिजनेस चालू कर लो। आपने स्टार्टअप किया, एक कंपनी खोली, लेकिन आपका माल, जब मैं खुद ही, मेरी मेंटेलिटी ये है कि अच्छा लोकल है, मेड इन इंडिया है, देश के अंदर बना हुआ है, इम्पोर्टेड चाहिए मुझे। ये इम्पोर्टेड वाली जो मानसिकता है, जो ब्रांड कॉन्शियस मार्केट जो चला गया, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड बाहर की फॉरेन कंपनी ने ऑलरेडी कॉपीराइट करा रखे हैं। हमारी इंडिया की अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले गुरुदेव ने भी बोला था, हमारी ये बहुत बड़ा इश्यू है कि हमारे को ब्रांड पेटेंट कराने की जरूरत है। हर चीज़, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है, जितनी भी अलग अलग उसके अंदर, वो बाहर की ब्रांड्स रजिस्टर्ड है, तो हमें भी हमारा कोई ना कोई ब्रांड बनाना होगा, हमें भी हमारे ब्रांड्स को सेटअप करना होगा, और हमें बाहर सेटअप करना दूर की बात, पहले देश में तो करें। देशवासी तो स्वदेशी को कि मेड इन इंडिया हो ना, वो भाई एक तरफ मेड इन इंडिया, एक तरफ मेड इन चाइना, एक तरफ मेड इन इटली पड़ा है मेड इन इंडिया। अगर तीन कैमरे आपके सामने पड़े हैं, उसमें मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन इटली, आप ये बोलोगे ओके कार तो जर्मन अच्छी होती है, जापानीज अच्छी होती है, क्यों भाई मेड इन इंडिया टाटा मोटर या महिंद्रा अच्छी नहीं? तो ये जो मेंटेलिटी है, हम इस मानसिकता के लिए लोगों को जागरूक करना है। हर देशवासी देश से प्यार करता है, और मुझे लगता है कि उनको जब हकीकत पता लगेगी कि इम्पोर्टेड खरीद के, हम हर तरफ बात करते हैं, मीडिया भी बात करता है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था कम है, डॉलर इतना पहुंच गया है। मैं बोलता हूँ इस चीज़ को हमें समझना होगा। हमने 25 महीने तक इस पर रिसर्च की है, 25 महीने हमने रिसर्च करने के बाद में हम फिल्म के अंदर हैं, और ये रियल वास्तविकता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ड्रामा बना दिया है, कुछ भी दिखा दिया, ये वास्तविकता है कि चाइना से 10 लाख करोड़ के, लगभग 10 लाख करोड़ का वैध और अवैध आयात होता है। अगर वो ना हो तो हर साल 1 करोड़ लोगों के घर में रोजी और रोटी आएगी, ये सत्य है। और 3 या 4 साल में देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आपका डॉलर, आप जो बोलते हैं कि अब तो 68 आ गया, 65 आ गया, वो इतना नीचे आ सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमने सारे आंकड़े ऑलरेडी फिल्म के अंदर बताए हैं कि कैसे ये चीज़ संभव है, लेकिन ये बिना हमारे जन सहयोग के संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म कब रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं? फिल्म अभी आने वाले कुछ ही महीनों में हम रिलीज कर रहे हैं। ए आर रहमान का संगीत है फिल्म के अंदर,
हमेशा से जहन में था। और एआर रहमान का संगीत होना कितने फख्र की गौरव की बात। हाँ फ्रेंकली हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो पराग छाबरा जी, उन्होंने 5 साल से ज़्यादा हो गए लगभग रहमान साहब के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ शोज करते हैं, उनके ही कॉलेज में पढ़ाई की और उनके प्रिय शिष्य है। तो जब हमने उनका म्यूजिक सुना तो हमने साथ जोड़ा और म्यूजिक जब पूरा हुआ उसके बाद वो स्पेशली गए अपने सर को, अपने जो उनके जो गुरु है म्यूजिक के गुरु है, और रहमान साहब तो लीजेंड है म्यूजिक में, तो उनको सुनाना हमने चाहा तो उन्होंने पूरा म्यूजिक सुना, उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी किया और उनको म्यूजिक बहुत पसंद आया तो उन्होंने लॉन्च किया। हमने रिक्वेस्ट की कि अगर आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है तो हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें अपने हाथ से लॉन्च करें, तो उन्होंने म्यूजिक लॉन्च किया। सर कैसे अलग है उरी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो क्लियर कट पॉलिटिकल ड्रामा है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक से सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी है। मेरी फिल्म कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी राजनीति से लेना देना नहीं, मेरी फिल्म का नाम ही वहाँ जिंदगी है, मतलब हारना और जीतना जरूरी नहीं है, जिंदगी खेल है, खेलना जरूरी है। वह जिंदगी मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए नहीं बनाई है, ये फिल्म देश की फिल्म है, देशवासियों के लिए फिल्म है, स्वदेशी कॉन्सेप्ट पे है, चाइना के साथ कंपटीशन है, गुजरात सिरामिक इंडस्ट्री की रियल स्टोरी है, और जो देश को विश्व गुरु परम वैभव तक ले जाने की यात्रा पूरी करती है, ये मेरी फिल्म की सिंपल कहानी है। इसमें हर देशवासी को गर्व होगा देख के कि कितना बढ़िया सोशल मीडिया जिसमें छुपा है। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के वोटों से लेना देना नहीं है। हाँ पॉलिटिकल पार्टियां चाहें तो आएं और सपोर्ट करें, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर भारतीय नागरिक ये चाहता है कि मेरा देश विश्व गुरु बने, मेरा देश बेरोजगारी और गरीबी मुक्त हो, मेरे देश के व्यापारी जो चाइना से परेशान हैं उनका माल बिके। हम हर देशवासी से ये निवेदन करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ को पहुँचाएं, स्वदेशी को प्राथमिकता दें ताकि हम बेरोजगारी और गरीबी मुक्त भारत निर्माण करें, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर तक पहुँचे, विश्व में हमारी पहचान बढ़ती ही जाए। जब हमने कुछ लोगों को फिल्म दिखाई थी तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बार में हमने लास्ट टाइम एक थिएटर में किसी को स्क्रीनिंग दी थी, तो थिएटर में पीछे जो प्रोग्रामर होता है जो फिल्म को लगाता है, फिल्म देखने के बाद वो आगे आ गए गेट पे निकलने के टाइम, और हमें पकड़ा कि आपने ही फिल्म बनाई। मैंने कहा हाँ हमने बनाई। बोला बहुत अच्छी फिल्म है और इस फिल्म को तो सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। मैंने कहा तो ये मैसेज सरकार तक हम जरूर पहुँचाएंगे, हमारी तो कोशिश है, हमने ऑलरेडी सरकार को रिक्वेस्ट दिए कि ये और ये फिल्म को सरकार को टैक्स फ्री करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करेगी तो जो भी लोग, जो भी दर्शक फिल्म देख के बाहर निकलेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, वो यही बोलेगा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया। तो फिर उनको सवाल का जवाब दे देना है कि क्यों फ्री नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सोशल मैसेज और देश के हित में इस फिल्म को सिर्फ टैक्स फ्री ही नहीं, सरकार को अपने जो जन जागरूकता अभियान है, गवर्नमेंट आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें वो जगह जगह जाके अलग अलग कैंपेन करती है, लोगों को जागरूक करती है, वैसे उसको सभी शहरों में, गाँवों में, सब जगह जागरूक करना चाहिए कि कैसे हम स्वदेशी को प्राथमिकता दें और मेड इन इंडिया को प्राथमिकता दें, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के व्यापारी, सबका फायदा है उसमें।